बड़े शानदार अंदाज में जरासीसी ने। और मैं बुलाना चाहूंगा टेस्ट क्रिकेटर राणा नवीदुल हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी को ज्वाइन करें। राणा नवीदुल हसन शेरे पंजाब टी ट्वेंटी चैंपियनशिप की ये जित देखिए कि रोजाना यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और नेशनल क्रिकेटर शिरकत करते हैं और आज भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर राणा नवीदुल हसन साहब मौजूद हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले लोजिंग स्कीपर को, जरासीसी के कप्तान से गुजारिश है कि वो आए हमारे साथ कुछ बात करें। जरासीसी के कैप्टन जल्दी से मौजूद नहीं है। जरासीसी के कैप्टन हमारे साथ हैं, बड़ा हार्ड रहा आपके लिए ये टूर्नामेंट, क्या कहेंगे आपकी टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए? हाँ, लड़कों ने जो करना था नहीं कर पाए और बॉलिंग भी गलत हुई है तकरीबन और मिस फील्ड भी ज़्यादा हुई है, इसलिए ना वो प्रोवाइज नहीं कर पाए। चले, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और अब आरएनसीए के कैप्टन से गुजारिश करूँगा, आसन भट्टी अगर मौजूद हैं हमारे साथ कुछ बात करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके कैप्टन ने आज बड़ी अच्छी मूव्स की हैं, तमाम पत्ते आपके आज जगह पे गिरते रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे इस पर? शुक्र अल्लाह का मैच जीते हैं, यही था कि राणा भाई हमें समझाते रहते हैं साथ साथ कि विकेट को कैसे रीड करना है, इस विकेट पे इतना करोगे तो इतना आसानी हो जाएगी, तो बस यही प्लान था कि हमने इंशाल्लाह 150 प्लस करना है और उसको सेव करना है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा शानदार खेली आपकी टीम। और अब वक्त है टीजीसी मॉल की तरफ से मैन ऑफ द मैच का। तो मेरे साथ मेरे चीफ गेस्ट हैं वजाह सलीम साहब, असलम लट्टर साहब, राणा जहीर साहब, उनके साथ शाहिद भाई और साथ में राणा नवीदुल हसन साहब। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अनाउंस करने जा रहा हूं मैन ऑफ द मैच, एक ऐसे बैट्समैन आपको याद होगा जिन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था, फाइनल में सेंचुरी स्कोर की थी, तो आज भी शानदार खेले, मेरी मुराद आपकी भरपूर तालियों में काशिफ अली। काशिफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। और काशिफ कुछ बात करेंगे आपसे, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था लेकिन उसके बाद आपने अपनी इनिंग को बनाया, क्या चल रहा था जहन में कि आज मैन ऑफ द मैच होंगे? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पहले मैच विन किया और फिर अच्छी परफॉर्मेंस हुई। बस ये था कि पहली बैटिंग थी तो हमने देखना था कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है तो उसमें कौन सा स्कोर अच्छा होगा, तो उसके मुताबिक हम चले, तो हमने एक टारगेट सेट करना था वो किया, तो हमारी बहुत अच्छी टीम परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, डिफेंड किया, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा टीम परफॉर्मेंस हुआ जिसके लिए खुश हूँ। और काशिफ आपने कश्मीर प्रीमियर लीग भी खेली है और आप इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्या कहेंगे शेरे पंजाब टी ट्वेंटी चैंपियनशिप के बारे में, किस तरह से यहाँ पे चल रहा है टूर्नामेंट, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत कंपेटिटिव टूर्नामेंट है, हर एक टीम में प्रोफेशनल देखे जाते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन है। चले काशिफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की परफॉर्मेंस आपसे उम्मीद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इतना ही शेरे पंजाब टी ट्वेंटी चैंपियनशिप से, और इजाज़त चाहूँगा अपनी तमाम तर प्रेजेंटेशन पार्टी से, कल दोबारा दो मैचेस के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।